स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने भारत के हथियार आयात को लेकर हैरान करने वाली रिपोर्ट छापी है। SIPRI ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 से 17 और 2018 से 2022 तक भारत की हथियार खरीद में करीब 11% कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। SIPRI की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के हथियार खरीद में आई कमी की वजह मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जिसके तहत भारत सरकार का जोर हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर है। बीते 4 से 5 सालों में भारत ने हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं, जिससे भारत में निर्मित हथियारों के लिए अपना अलग बजट का प्रावधान है। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करना और कोई हथियारों की खरीद पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम शामिल हैं। आइए जान लेते हैं कि बीते 5 वर्षों में दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देश कौन से हैं। बीते 5 सालों में दुनिया में जितने हथियार खरीदे गए उनमें से 11% अकेले भारत ने खरीदे। सऊदी अरब 9.6% खरीद के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं इनके बाद कतर 6.4% हथियार आयात के साथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया 4.7% के साथ चौथे और चीन 4.7% के साथ 5वें नंबर पर आता है। ये तो हमने बात कर ली दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देशों की। आइए अब जान लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक यानी एक्सपोर्टर्स देश के बारे में। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जो दुनिया के कुल हथियार निर्यात का 40% निर्यात करता है। अमेरिका के बाद रूस दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जो 16% हथियार निर्यात करता है। इसके बाद फ्रांस तीसरे नंबर पर आता है 11% के साथ, चीन चौथे नंबर पर 5.2% और जर्मनी 5वें नंबर पर 4.2% हथियार निर्यात करता है। साल 2013 के बाद से अमेरिका के हथियार निर्यात में 14% की बढ़ोतरी और वहीं रूस के हथियार निर्यात में 31% की कमी हुई है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के हथियार निर्यात में काफी कमी देखने को मिली है। दरअसल इस युद्ध की वजह से रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसी वजह से अमेरिका के कई सहयोगी देश रूस के हथियारों में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत इस युद्ध में किसी का भी सहयोगी नहीं है। वैसे भी रूस के ज्यादातर हथियार इस युद्ध में प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए भी उसका निर्यात कम हुआ है। भारत का रूस से हथियार आयात भी 37% तक घटा है। बता दें कि युद्ध के चलते यूक्रेन की हथियार खरीद में भी तेजी आई है। साल 2022 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा, जबकि 2018-22 के दौरान यूक्रेन दुनिया का 14वां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। बता दें कि इस बार बजट का भी बड़ा हिस्सा देश के अंदर ही हथियार निर्माण पर लगाया गया है। भारत में हथियारों के निर्माण पर जोर का ही असर है कि इस बार के बजट में भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। बीते 3 सालों में इसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 3 साल पहले भारत में निर्मित हथियारों और अन्य सामान की खरीद के लिए बजट में 51,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे अगले साल बढ़ाकर 70,000 करोड़ और फिर 84,000 करोड़ रुपए किया गया। अब ये बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपए हो गया है। बीते सोमवार को ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में बताया कि साल 2018-19 में रक्षा बजट में विदेशी खरीद 46% से कम होकर 36.7% हो गई है। साल 2024-25 तक भारत ने 1,75,000 करोड़ रुपए के भारतीय हथियार खरीदने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही निर्यात को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। जब से चीन के साथ सीमा विवाद शुरू हुआ है, भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम उठाए हैं। भारत लगातार अपनी टेक्नोलॉजी और रक्षा उपकरणों को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। ब्रह्मोस और अग्नि जैसी 5 मिसाइलों का सफल परीक्षण इस बात की गवाही देता है कि भारत अपनी सीमा और अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। आने वाले समय में भारत दुनिया के बड़े पटलों पर खुद और ज्यादा ताकतवर साबित करने में पूरा सक्षम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।